ये है रमेश मलिक, पिता का नाम मनोज मलिक, एक बड़े क्रिमिनल, और इसकी माँ सोचती है अपने पिता की तरह ना बने बल्कि एक पुलिस ऑफिसर बने। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। माँ, मुझे पुलिस अकेडमी में एडमिशन मिल गया। नमस्ते दासन्ना। ये है चंदू, इसके पिता का नाम नरेंद्र, जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता है, पर एक दिन पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और तब से चंदू की हालत भिखारियों जैसी है। तिरुपति से कब आए? आज ही सुबह आया हूँ। अन्ना, एक स्पेशल डोसा। वेंकटेश से मेरे बारे में पूछा। वेंकटेश? ओ, वेंकटेश स्वामी, हाँ बताया था। अन्ना, डोसा रेडी है? धंधा कैसा चल रहा है? अरे अभी भी तो लगाया, छोटे सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। अरे इसे चटनी दे। सर, ये है विश्वनाथ, वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। सर, डैडी उर्फ जौहर सीधे जाके लेफ्ट में चौथे रूम में है सर। ओके, कम। क्या है रे चंदू? दास ना, मुझे अर्जेंट डैडी से मिलना है। दास, उसको आने दे। डैडी, डैडी, आपको पकड़ने पुलिस आ रही है। ओ सॉरी, मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम जवाहरलाल, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पक्का क्रिमिनल, और लोग मुझे प्यार से डैडी बुलाते हैं, साई राम। सर, अंदर कुछ नहीं है। ये शायद स्टूपिड लगेगा, मुझे पता है तुम नहीं बताओगे, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ ड्रग्स और हथियार होने चाहिए थे। वो कहाँ हैं? आप आने वाले हैं ऐसी मुझे खबर मिली, इसलिए मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया। और जो सच्चाई आपको दिखाई दे रही है उसको मैंने आपके पीछे ही जला दिया। मैं सूप बहुत अच्छा बनाता हूँ, पियोगे क्या? सम अदर टाइम, सम अदर प्लेस। आई लव यू साई राम। इस टेबल पर कितने फाइल हैं बता सकते हो? सर, लेफ्ट साइड में 3 ब्लू फाइल 4 ग्रीन फाइल, राइट साइड में 4 ब्राउन फाइल 2 ब्लू फाइल। राइट सर। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सर, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में आए हैं, इसलिए तो अलग अलग मोजे पहनकर आए हैं। राजू, पुलिस वाले हमसे रिश्वत लेके हमें बचाते हैं, हा? फिर विश्वा हम पे रेड करने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जानी चाहिए थी, हा? इसके लिए उन लोगों के साथ हमारे आदमी का रहना जरूरी है। चंदू के जैसे। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? मेरी माँ का नाम मंगला पवार है सर। हम तुम्हारे पिता का नाम पूछ रहे हैं। What is your father's name? मेरी माँ का नाम श्रीमती मंगला पवार है सर। तुम्हारी माँ जानते है तुम्हारे पिता का नाम? You are dismissed, get out. तुझे जो पसंद है मैं तुझे दूंगा। मुझे गन पसंद है। पुलिस को ज्वाइन करेगा क्या? हाँ डैडी। क्यों? क्योंकि मुझे पुलिस से नफरत है, उन्होंने मेरे डैडी को मार डाला। तुम्हारे पिता एक एंटी सोशल एलिमेंट थे, इसलिए फॉर्म में पूरी तरह से उनका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, और तुमने एक सीनियर ऑफिसर से मिसबिहेव भी किया था, इसलिए तुम इस डिपार्टमेंट के लायक नहीं हो। अरे, तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बनोगे चलेगा, पर तुम अपने पिताजी की तरह मत बनो। सर, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर। किसने कहा कि तू पुलिस ऑफिसर नहीं है? तू पुलिस ऑफिसर ही है, बट सीक्रेट पुलिस ऑफिसर, और ये बात तू किसी और को मत बताना। गुड, तुम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। यस सर। ये मॉर्स कोड मशीन है, इसमें 8 to Z तक और 1 से 9 तक नंबर रहते हैं, इसको हम कोड लैंग्वेज में यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, लीड एक बार, डॉट दो बार और डैश एक बार प्रेस किया तो हम समझेंगे तुम्हें हेल्प की जरूरत है। मशीन को बॉडी के किसी भी हिस्से में रखकर वहां से ऑपरेट कर सकते हो, समझ गए ना? कचरे से निकल के लॉर्ड और मैं पहुंच गया चंदू। अगर किसी की फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है तो मुझसे झगड़ा करना पड़ेगा। और जिसने मुझसे झगड़ा किया उसकी पेपर में हेडलाइन। जीनियस चंदू कचरा पट्टी। सुबह राजू, मुझे एक कचरा पट्टी पसंद नहीं है, तुम इसे तोड़वा दो। क्यों, यहाँ पर कुछ बनवाना है क्या? नहीं, ये सब यहाँ पर रहे ये मुझे पसंद नहीं। ऐसा क्यों? इससे पहले तो आप भी वहीं रहते थे। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि जब मैं वहां रहता था तो इस बिल्डिंग को देखकर इस बिल्डिंग में आना चाहता था, इसीलिए इस बिल्डिंग में रहने वालों को खत्म करके मैं आया हूँ। सपोज अगर मेरी ही तरह सोचने वाला वहां कोई दूसरा हुआ तो फिर कल वो हमारे लिए खतरा है। लॉजिक लॉजिक। तुम किसी भी तरह डैडी के गैंग में ज्वाइन हो जाओ और ये तुम्हारा लास्ट असाइनमेंट है और इस ऑपरेशन का नाम होगा होमम। रमेश, तुम्हारा काम सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों की इंफॉर्मेशन देना है, डैडी को मारना नहीं। ए, तलोट,